नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल छात्र चुनाव हुए और परिणाम आ गया। परिणाम आने के बाद वहां से आगजनी और बमबाजी की घटनाओं की खबरें बाहर आ रही है। आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, और वहां पर कल जो परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, उसको कहीं ना कहीं झटका माना जा रहा है। और वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट योगी सरकार, उसे भी झटका के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल वहाँ पर चुनाव है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है, समाजवादी छात्र सभा जो अखिलेश यादव जानते हैं समाजवादी पार्टी है, उनकी जो स्टूडेंट यूनियन है उसे दो प्रमुख पद मिले हैं, और NSUI जो कांग्रेस की स्टूडेंट पार्टी है उससे दो प्रमुख पद मिले हैं। तो इसे कहीं ना कहीं ABVP और वहाँ की स्टेट जो आपको गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट है, उसे कहीं ना कहीं झटके रूप में देखा जा रहा है। 48.5% वहाँ मतदान हुए थे, और इसके बाद जो अध्यक्ष पद है जो समाजवादी छात्र सभा के खाते में गया, समाजवादी छात्र सभा के उदय प्रकाश ने 3698 वोट पाकर अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे ABVP के अतेंद्र सिंह को उन्हें हरा दिया। और उसके बाद उपाध्यक्ष पद पे NSUI की बड़ी जीत मानी जा सकती है, अखिलेश यादव ने जीता वहां पर। NSUI के अखिलेश यादव ने 2157 वोट प्राप्त किए और उन्होंने नीतीश सिंह राजपूत को हराया। महामंत्री पद पर ABVP के शिवम सिंह विजयी रहे और उन्होंने आपको समाजवादी छात्र सभा के राहुल यादव को 270 वोट से हराया। और संयुक्त मंत्री पद पर समाजवादी छात्र सभा के सत्यम सिंह ने चंदन कुमार गुप्ता को 952 मतों से हराया है। और सांस्कृतिक सचिव पद पर भी जो आपको NSUI के कैंडिडेट जीते हैं आदित्य सिंह ने, 1832 वोट उन्हें हासिल हुए। तो ये थी बड़ी खबर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अभी देखना होगा इसके जो परिणाम है, आप रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जो रात से ही खबरें आ रही है, आगजनी खबरें आ रही हैं, बमबाजी खबरें आ रही हैं, और लगातार ये काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। अभी उत्तर प्रदेश की एक और यूनिवर्सिटी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, BHU डिस्टर्ब चल रही है, अभी उसे कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया गया था। तो हम लगातार यूनिवर्सिटी की खबरों पर नज़र लगाए रखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।